सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला के बमरी बंजर का दौरा करेंगे, जहां पे सीएम रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव के तहत लाडली बहनों को सौगात देंगे। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा हवाई पट्टी में भारतीय युवा मोर्चा की निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम का द्वारा हवाई पट्टी में दोपहर 3:10 पर आगमन होगा, जिसके बाद वो तिरंगा यात्रा के साथ बमहनी बंजर पहुंचेंगे, जहां पर सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के आने वाले उनके आगमन को लेकर तैयारियां चाक चौबंद हो गई है, और इसके लिए बाकायदा मंत्री संपत्तिया उइके और कलेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। तो सीएम का मंडला दौरा अपने आप में बेहद खास, रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव में शामिल होंगे। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसको लेकर अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हर दिन आ रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आज देखिए सीएम का ये दौरा मंडला में है, जिसको लेकर तैयारियां चाक चौबंद है। बस एक घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा का समय है, जिसके बाद सीएम मंडला पहुंचेंगे। तो यहाँ पे रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां और कार्यक्रम भी है, और साथ ही श्रावण उत्सव में शामिल होंगे। लाडली बहनों के लिए आभार और उपहार कार्यक्रम का भी ये आयोजन है। ग्वारा हवाई पट्टी में तिरंगा यात्रा को सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। कैबिनेट मिनिस्टर संपत्तिया उइके ने तैयारियों का जायजा लिया है। सबसे पहले तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश के लाडली बहनों के लाडले भाई कल हमारे मंडला विधानसभा मंडला जिले में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लगातार बारिश के बाद भी हमारे पूरे जनप्रतिनिधि संगठन और हमारे प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग यहाँ पे, मीडिया के बंधु सब लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस ग्राउंड पे इतने कीचड़ थी, फिर भी उसको सब क्लीन करके और डोम लगाने का काम यहाँ पे सभी का बड़ा योगदान है। क्योंकि बमनी बंजर में आज तक कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा हवेली बेल्ट है और मंडला विधानसभा का ये हृदय स्थल है। यहाँ पे हवेली बेल्ट होने के कारण लोगों में जिस तरीके से बहुत उत्साह है, और बड़े उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सावन के महीना में अपने कलाई को आगे बढ़ाते हुए हमारी लाडली बहनें राखी बांधेंगे, और उसको व्यवस्थित हम लोगों ने यहाँ पे किया है। बड़ी संख्या में कल हमारी सभी बहनें यहाँ पे उपस्थित होंगे अपने भाई को राखी बांधने के लिए। कल मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का मंडला जिले के बमनी नगर परिषद में आगमन है। सबसे पहले सर की लैंडिंग के पश्चात एक हर घर तिरंगा और तिरंगा रैली निकाली जाएगी बाइक से, जो ग्वारा हवाई पट्टी से यहाँ तक के लिए निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा का शुरुआत जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के करकलमों से ही यहाँ पर हो रहा है। उसके पश्चात यहाँ पे जो मेन बमनी में कार्यक्रम है वो लाडली बहना सावन और राखी के संबंध में, रक्षाबंधन के संबंध में है, तो मुख्यतः महिलाओं का कार्यक्रम है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हमारे मंत्री मैडम, सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष, बाकी सब लोग, हमारे अन्य विधायकगण सब लोग रहेंगे। तो ये बहनों के लिए, जो महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज विजयपुर से किश्त ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके साथ साथ रक्षाबंधन का जो अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है, और साथ ही उनके लिए जो बधाई दी जा रही है, और बहनों का भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक स्वागत है और जो उनकी भी शुभकामनाएं हैं, उसी के लिए ये कार्यक्रम है। चंद्रेश खरे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। चंद्रेश, कहां पर आपकी मौजूदगी है और कितना समय और शेष बचा है सीएम के आने को लेकर, किस तरीके से तैयारी, क्या उत्साह यहां पे खास तौर पर बहनों में देखने को मिल रहा है? देखिए, मंडला जिले में बमनी क्षेत्र है ये, यहां पर कोई मध्य प्रदेश में के मुख्यमंत्री, मुझे पहली बार कोई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ पर आ रहे हैं। महिलाओं में, बहनों में काफी उत्साह है। हम सभा स्थल के प्रांगण में ही खड़े हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे साथ ये महिलाएं बैठी हुई हैं जो मेहंदी लगा रही हैं एक दूसरे को, और मेहंदी लगाने का कारण इनका ये है कि इनके मामा, इनके भैया आ रहे हैं। क्या बहन जी, क्या नाम है आपका? ये आप लोग क्या मेहंदी लगा रहे हैं, आज क्या कार्यक्रम है? तो ये देखा आपने, मोहन यादव जी आ रहे हैं, इनके मामा आ रहे हैं, बच्चियों के मामा आ रहे हैं, बहनाओं के भाई आ रहे हैं। इस खुशी में यहाँ मेहंदी लगाई जा रही है, वहां पर मंगल गीत गाए जा रहे हैं मोहन भैया के लिए। ये देखिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं बैठी हैं, ये मंगल गीत गा रही है, ये इनका मोहन भैया के लिए अपने इन्होंने गीत तैयार किया है, गीत गा रही है।
चंद्रेश, शायद कनेक्शन थोड़ा सा पुअर है, वीक है, क्योंकि तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे गजब की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अलग अलग टोली में यहाँ पे महिलाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, तैयारियां एकदम चाक चौबंद है, तो क्या बड़ी सौगात आज मंडला को मिलने जा रही है? अब सौगात मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कल जो सौगात दी है होली पे, अपने राखी के अवसर पर 250 करोड़ का जो इनको बोनस दिया, महिलाओं को, अपनी बहनों को, आई जान इनकी बहनों से बात करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? ये आप लोग आज किस खुशी में ये कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हमारे मोहन भैया बहुत 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 उत्साहित है हमारी महिला मंडल की, और उन्होंने क्या सौगात दी है और क्या सौगात देंगे? 1250 रुपए, इससे हमारा मान भी बढ़ रहा है और हम आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं और आगे भी बढ़ने का हमको मौका मिल रहा है। और आज अगर हम यहाँ पे है मंच में, तो केवल उन्हीं के कारण उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मोहन भैया बहुत बहुत बहुत, तो ये बहनाएं हैं जो बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हैं अपने मोहन भैया का, और बहुत खुशी का माहौल हम देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आइए बेटा इधर आइए। क्या नाम है आपका? क्या आज कार्यक्रम कौन आ रहा है? सीएम साहब आ रहे हैं, और आपका क्या कार्यक्रम है? अच्छा, झंडा पूजन है, कन्या भोजन। तो देखा आपने की कन्याएं भी आई है तैयार होके, इनके मामा इनके साथ कन्या भोज कराएंगे। ये एक आदिवासी कल्चर, आदिवासी जिले में अगर हम बात करें, आदिवासी कल्चर की बात करें, तो आदिवासी समाज भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है। ये कुछ महिलाएं देखिए आदिवासी परिवेश में, और ये बच्चियां हैं। तो क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ से आए हो आप? खटिया से? तो क्या काई के लिए आए हो? तो ये खटिया मोचा एक काना शन पार से लगा हुआ आदिवासी बैगा बाहुल्य ग्राम है, यहाँ से आए हैं, और आइए हम इनके मुखिया से बात करते हैं, ये भी बड़े खुश हैं। ये चंद्रेश, जब आप लोगों से बातचीत करें, जरा माइक को थोड़ा सा पास रखिएगा उनके। जी, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सोन सर रहेगा। तो यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ नृत्य करने के लिए आए। क्यों, कौन आ रहा है आज यहाँ? मोहन यादव जी आ रहे। तो आपको क्या खुशी है? खुशी तो रहता है, देश का मंत्री है। तो आपके समाज के लिए आप क्या चाहते हैं मोहन भैया से? हमारे समाज के लिए चाह रहे हैं कि हमारे रोजगार मिलने चाहिए, हमारे बैगा लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो देखा आपने, बैगा समाज के लोग आए, इनकी भी चाहते हैं कि इनको रोजगार मिले। वैसे भी प्रधानमंत्री जनमन योजना को लेकर के मंडला जिले में काफी उत्साह है बैगाओं के लिए। प्रधानमंत्री जनमन योजना से आवास है, बैगाओं को रोजगार दे, सभी तरह की सेवाएं उनको और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। 3:10 में मोहन यादव जी आएंगे, सबसे पहले वो झंडा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद वो एक माँ के नाम पौधा लगाएंगे। पौधा लगाने के बाद उनको एक मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है, पुलिस विभाग को, पुलिस बैंड। इस बार पूरे प्रदेश में 15 अगस्त में पुलिस बैंड के द्वारा परेड की जाएगी। आज हमारे यहाँ भोपाल से आए हैं, पुलिस बैंड भी तैयार है। आइए हम आपको पुलिस बैंड से बात कराते हैं। ये देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, कोई परिंदा भी पड़ना मारे इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस के जवान लगे हुए हैं सुबह से दिन रात से चौकसी में लगे हुए हैं। ये देखा आपने, ये देखिए आप, पूरा प्रांगण सजा हुआ है मोहन भैया के, मुख्यमंत्री के आने की खुशी में। ये यहाँ पर आज अभी कुछ देर के बाद मोहन यादव जी आएंगे, मुख्यमंत्री जो प्लांटेशन करेंगे, पौधरोपण करेंगे, एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएंगे, जिस जो योजना एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार की, उस योजना के तहत ये पेड़ लगाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे पर्यावरण को, धरती को हरा भरा रखने का जो जिम्मा देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है, उस मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। कितनी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद है? जाहिर सी बात है, पूरे इलाके से अलग अलग शानदार प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पे लोग पूरी तरीके से तैयार है। तो कितने लोग पहुँचेंगे और क्या तैयारी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से, खासतौर पर सुरक्षा को लेकर? प्रशासन की तरफ से तो बहुत चाक चौबंद तैयारी है, पूरी तैयारी है। पानी कल से थोड़ा परेशान कर रहा है, मगर पानी को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी मुस्तैदी रूप से पूरा तैयार करके रखा। हजारों की संख्या में महिलाएं आना है, और अब तो ये स्थिति है शहर में कि महिलाएं जो काम करने वाली महिलाएं जो घरों में काम करती थी, वो भी अपने काम छोड़कर अपने भैया से मिलने यहाँ पर आ रही है। तो हजारों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं आना, और महिलाओं में काफी खुशी का माहौल है। बिल्कुल ठीक है चंद्रेश, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिलाएं पूरी तरीके से तैयार है अपने भैया और सूबे के मुखिया के इंतजार के लिए। देखना होगा कि क्या बड़ा ये सौगात आज यहाँ पे मिलेगी।